नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ लखीमपुर के निवासी गुरप्रीत सिंह है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये कैसे इनके इन्होंने सिद्धांत अपने अपनाया है, जिनसे कि इनके गन्नों का वजन, जैसे देख पा रहे होंगे, दो ही गन्ने हैं जिसका वजन 7-7.5 किलो वजन आया है। तो गुरप्रीत सिंह, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप हमारे किसानों को बताना चाहेंगे कि आप ऐसे क्या, कौन से सिद्धांत, कौन सी पद्धति अपनाते हैं जो अपने गन्नों का वजन, जैसे दे पा रहे होंगे, शानदार वजन आया है, और कौन सी किस्में आप लगाते हैं जो मनपसंद आपकी किस्में हैं, क्या सिद्धांत है, हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे जी। ये हमारी PV95 किस्म है, ये जी पंजाब की वरायटी है जी। ये हमने सिंगल बर्ड से बुआई किया है, इसकी जो भी है अपना 3.5 फुट की दूरी पर बुआई किया है, बड़ से बड़ की दूरी 1.5 फुट रखा है इसकी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कौन से ऐसे तरीकों का अपनाया अपनी किसानी में कि आपके गन्नों का वजन 3-3.5 किलो तक का एक गन्ने का निकल रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया किसानों के गन्ने का वजन किसी का 100 ग्राम, किसी का 200 या 1 किलो तक का होता है, तो क्या ऐसे तरीके आपने अपनाए अपनी खेती में कि आपको इतना अच्छा शानदार वजन मिल देंगे? इसमें हमने जैसे मतलब नीचे का हिस्सा थोड़ा कम यूज किया है अपना बुवाई के लिए जी जी, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा ज्यादा मतलब जो है टिलिंग के लिए अच्छा रहता है, ऊपर का हिस्सा गन्ने जो मतलब दिमाग है। अच्छा, जैसा कि हमारे किसान भाई का कहना है कि जैसे कि एक बीज के लिए गन्ना जो यूज करते हैं वो नीचे का हिस्सा यहाँ तक का छोड़ देते हैं और ऊपर के हिस्से को ही अपने गन्ने के बीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो गन्ने का निचला हिस्सा है ये जमाव तो आ जाता है लेकिन ये जो टिलर्स करने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है और गन्ने की बढ़वार काफी कम रहती है। किसान भाई, जैसे कि आप किस मतलब सिंगल बट से बुआई करते हैं या 3 बट या 4 बट का बुआई करते हैं? नहीं, सब टोटल सिंगल बट से बुआई किया। सिंगल बट से आपको कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है हमारे किसान भाई 30 क्विंटल, 35 क्विंटल या 40 क्विंटल तक डालते हैं अपने खेत में। वो तो बेकार है, 30-35 क्विंटल ज्यादा जो है बीज के बर्बादी करना है मतलब गन्ने की। जैसे कि हमारे किसान भाई का कहना है कि मात्र वो 6 से 6.5 हजार पौधों में 1 एकड़ को कवर करते हैं, जो है जैसे हमारे किसान के 30 क्विंटल 35 क्विंटल बीज का उपयोग करते हैं तो वो उनका वेस्ट जाता है, उसे उनको कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं रहता। सिंगल बट से आप बिजाई कीजिए, सिंगल बट से आपको किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। आइए, आप किसान भाई कुछ अंतर भी दिखाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे किसान भाई एक दो गन्ने तो आपको सामने दिखा रहे हैं, जैसे किसान भाई देख पा रहे होंगे उनसे शानदार गन्ना है, PV95 है, काफ़ी शानदार हाइट है, गन्ने की मोटाई देख पा रहे हैं किसान भाई, काफ़ी शानदार है। और जैसे कि इन्होंने किसान भाई जो दूरी रखी है 5 फीट रखी है, और जो अपनी गाठ से गाठ की दूरी है 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी है किसान भाई, काफ़ी शानदार दूरी रखी गई है, उसके बावजूद गन्ने की हाइट, गन्ने का रिजल्ट काफ़ी शानदार आ रहा है। किसान भाई, जो आपने उत्पादन लिया है भाई साहब, आपने क्या क्या इसका उत्पादन ले रहे हैं जो आप गन्ने से एकड़ से ले रहे हैं जी? इसका उत्पादन बीघे का वही मान के चलिए 120 क्विंटल के आसपास निकलेगा, और एकड़ का वही आपका जाएगा 600 की एवरेज देगा, 600-650। आप 6 बीघा का होता है मान के चलिए 700 क्विंटल मिनिमम, आप 600 क्विंटल रख लिए किसान भाइयों। मात्र देख लिए किसान भाइयों, 6,000 से 6,200 पौधों में इन्होंने जो एकड़ का उत्पादन लिया है बहुत ही शानदार लिया है, इतना उत्पादन आप 30 से 35 क्विंटल गन्ना भी डालते हैं उसका भी आप उत्पादन नहीं ले सकते किसान भाइयों। अब फर्टिलाइजर का क्या प्रयोग करते हैं जो इनका में गन्नों के में आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कैसे आप यूज करते हैं जी? फर्टिलाइजर इसमें कम ही यूज किया है, ज़्यादा यूज किया फर्टिलाइजर का। आप फर्टिलाइजर को भी ये किसान भाई कम ही बढ़ावा देते हैं, आप देसी गोबर की खाद का प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और किसान भाई ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं इनके खेतों में देखा गया, आप नीचे देख सकते हैं अभी भी घास का जो है हर्बिसाइड का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करते, ये देसी तरीके से अपनी खेती को बढ़वा देते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी लाते हैं। इसके अलावा किन किन किस्मों का पैदावार करते हैं? बाकी हमारे पास 13-235 है, 14-201 है, वैरायटी सब है हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा, उनका आपको रिजल्ट कैसा लग रहा है कि हमारी PV95 का ऐसा वेट आ रहा है कि उनका भी वेट नहीं, उनका वेट भी ऐसा ही है, आपको दिखाते हैं उसके गन्ने भी दिखाते हैं। अच्छा जी, किसान भाई जैसा कि ये पड़े हैं 13-235 के गन्ने, आपको उनका वेट भी दिखाना चाहेंगे। आइए, मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि कैमरा कांटे पर लाएँ। जैसा किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा वेट इस गन्ना प्रजाति का भी आ रहा है, 2 गन्नों का वेट 7.5 किलो किसान भाइयों, काफ़ी अद्भुत वेट है किसान भाइयों, यही वेट हमारी COPV95 गन्ना में भी आया था किसान भाइयों, काफ़ी शानदार वेट आया देख पा रहे होंगे। हाइट की बात करें तो किसान भाइयों देख पा रहे होंगे हाइट, ऐसी हाइट है किसान भाइयों आपको किसी अलग प्लॉट में भी देखने को मिली होगी, लाजवाब हाइट है किसान भाइयों, 16-17 फीट किसान भाइयों हाइट हो चुकी है गन्ने की, जितनी शानदार हाइट है और किसी किसान के प्लॉट पर हमने नहीं देखी, जितनी भी ये हमारे जो गुरप्रीत सिंह है लखीमपुर के किसान है, उन्होंने अपनी जो प्लॉट में इतनी शानदार हाइट ले आए हैं अपनी गन्नों में, काफ़ी शानदार हाइट है किसान भाइयों। बाकी इसका भी आपको प्लॉट दिखाते हैं 13-235 का। अच्छा जी, आइए कैमरा मैन से कहने देंगे आपको उधर 13-235 का प्लॉट दिखा रहे हैं।
ये देखिए किसान भाई, उनकी गन्ना प्रजाति कोसा 13235 है, जिसकी शाहजहांपुर गन्ना शोध परिषद की है, अगली किस्म है, काफ़ी अच्छी हाइट है किसान भाई, और सिंगल बड के माध्यम से ही इन्होंने ये भी गन्ना लगाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लेकर आ रही है किसान भाई इनके। इसके अलावा किसान भाई, आप जो जैसे कि 038 की पैदावारी करते थे, जैसे कि 038 तो डैमेज हो गई है, पहले आप 038 की बुआई करते थे, उसमें आपको कैसा वेट देखने को मिल रहा था? 038 में वेट तो सही था, अब जैसे बीमारी रोग आ गया उसमें जो है उसके कारण थोड़ा उत्पादन कम हो गया और खर्चा ज़्यादा लगा। आप किन किन प्रजाति का बीज तैयार करते हैं? जैसे कि हमारे किसान भाई अब 038 को हटाना चाह रहे हैं, तो बीज के लिए भी आपके पास कोई ऐसी प्रजाति है जो हमारे किसान भाइयों को आप सजेस्ट करना चाहते हैं? जी बीज के लिए जैसे ये 14201 13235 15023 बाकी अपना मील से जो भी आप मतलब मील है आपको बताएं बीज के लिए वही। जैसे कि हमारे भाई साहब कहना चाहते हैं कि आप उन्हीं प्रजाति का बीज पनीर के खेत में लगाएं जो आपके मील द्वारा स्वीकृत हो, जैसे कि अभी PB95 यूपी में स्वीकृत नहीं है, आप इसकी बिजाई तभी करें जब आपकी फैक्ट्री इसको लगाने के लिए अनुमति दे। तो किसान भाई ये हमारे द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, अगर हमारे किसान भाई नई प्रजाति का बीज भी प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।